दोस्तों, आपका स्वागत है बालाजी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं पार्ट दो, जो कि 6 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था उसका, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक लड़की एक बैग को अंकित मूल्य पर 25% छूट के पश्चात 102 रुपये में खरीदती है, तो बैग का अंकित मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य पे कितना डिस्काउंट है? 25% डिस्काउंट है। तो उसने ख़रीदा कितने का? 102 का। अब हमें क्या है, यदि हम 102 का 125% निकालते हैं या 25% निकाल के उसमें 100 में ऐड करते हैं, 102 में ऐड करते हैं, तो हमें किसका अंकित मूल्य आ जाए, मिल जाएगा बैग का। तो आप 102 का 125% निकाल दो तो 127.50 रुपये। हालांकि ऑप्शन में 127 रुपये था 50, लेकिन एक्यूरेट आंसर आएगा इसका 127 रुपये 50 पैसे। सेकेंड जो क्वेश्चन है आपका, वो ये सीरीज है कि 7, 15, 8, 12, 9, 9, 10 के बाद नेक्स्ट क्या होगा। तो इसमें एक सीरीज बन रही है, आप देख सकते हो, आपके 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद क्या आएगा नेक्स्ट? 11, यानी अल्टरनेट पे। और सेकंड से ऑप्शन क्या है, -3 हो के 12, 12 में से 3 गए आपके 9, तो 9 नेक्स्ट क्या आएगा 12 में से -3 होने के बाद? 6। तो आपका नेक्स्ट जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो 6 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि घन के हर किनारे को 50% बढ़ा दिया जाए तो घन के पृष्ठ एरिया में कितने परसेंट हो। तो आपको पता है कि घन में कितने टोटल फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो हमने एक किनारा कितना मान लिया? x, तो सरफेस एरिया फार्मूले से कितना हो जाएगा? 6x स्क्वेयर। अब लेकिन कितना इंक्रीज होता है? 50%। तो जो न्यू एज है, नया किनारा कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 50y 100x, क्योंकि कितना इंक्रीज हो रहा है वो 50%। तो ये हो जाएगा आपका 1.5x। तो जो न्यू सरफेस एरिया है वो आपका कितना हो जाएगा? 6 × 1.5x2, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप निकाल लो लगभग 13.5x2। तो परसेंटेज इंक्रीज निकाल लो कि जो नया एरिया है माइनस पुराना एरिया है डिवाइडेड बाय पुराना एरिया इंटू 100, यानी 125% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो आपका एग्जाम था आपकी ये सीरीज, ये 6, 6, 4 इसके बाद सीरीज, यानी इसमें यदि आप देखें तो 302 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, ये 70 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 से तो 340, इसी प्रकार 89 को करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 178 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक सीरीज आई थी 3, 9, 4, 16 खालिस्तान 25। तो देखो स्क्वेयर है ये, 3 का स्क्वेयर 9, 4 का स्क्वेयर, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वेयर 25। तो ये इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों व लड़कों का अनुपात 2:3 है, 5 नए विद्यार्थी आने से उन लड़कियों का अनुपात बदल जाता है 4:5, तो उसमें बताओ कितने नए लड़के आए। तो टोटल आपके कितने हैं? 40। गर्ल अनुपात बॉय कितना है आपका? 2:3। तो गर्ल कितने हमने मान लिए? 2x। बॉय कितने? 3x। तो 2x + 3x कितने? 40। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी कितनी? 8। तो यहाँ से गर्ल और बॉयज की संख्या आ जाएगी आपकी 16 और 24। 5 नए विद्यार्थी आने से अनुपात क्या हो जाता है? 4:5। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए यहाँ पे अब? 45। तो अनुपात में 4x और 5x हम निकाल लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू दोनों को जोड़ के 45 के इक्वल x की वैल्यू आएगी आपकी 5। अब गर्ल कितने हुए उसके बाद? 20। 5 आने के बाद बॉय कितने हुए? 25। पहले बॉय कितने थे? 24, अब कितने हुए? 25। तो कितने की वृद्धि हुई? सिर्फ एक की वृद्धि हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिता की आयु उनके 6 बच्चों के योग के बराबर है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु को दोगुना उनके बच्चों की आयु के योग के बराबर होगी, तो पिता की आयु कितना है? ये आपको ऑप्शन से आप आसानी से कर सकते हो, इसका आंसर कितना होगा? 60 होगा, ठीक है, क्योंकि 60 होगा 6 बच्चों की आयु के योग के बराबर। 15 साल बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 60 + 15 = 75। 6 वर्ष बाद बच्चों, क्योंकि एक बच्चे की 6 बढ़ेगी तो 15 की कितनी? 90। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 60 + 90 = 150। यदि आप चित्र का दुगुना करोगे तो 150 आएगा, तो 150 150 आपके क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये आंसर होगा। उसके बाद ये पूछा था आपका फ्रेंड इज, इसके बाद दिया था, तो इसका आंसर होगा MCNQON। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 65 का स्क्वेयर 60 का स्क्वेयर, ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन था 55 का स्क्वेयर - 50 का स्क्वेयर x। तो इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है, वो आ जाएगी 25/11। ये आपके आंसर कितना आएगा? 25/11। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका
वो था कि एक आयत की परिधि 25.5 मीटर है, इसकी लंबाई 9.5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप इस प्रकार से इसका पहले परिधि निकाल लो, क्योंकि इसमें दो साइड, दो डबल लेंथ और डबल ब्रेथ से बनेगा। तो 2L प्लस बी से इसकी परिधि का फार्मूला होता है, L प्लस बी निकाल लो और यहाँ से बी निकाल लो 3.25। उसके बाद क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई 30.87 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि एक दिवसीय खिलाड़ी में इतने रन बनाते हैं और इतने 200 में से 160 स्पिनर बनाते हैं, तो उसका ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका कितना गिवन है, दो संख्याओं का 19,200 और उनका मैस है कितना है 40, तो उनका लेस है कितना होगा। तो आपको लेस एंड फाइंड आउट करना है, तो इसका फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लघुत्तम समावर्तक गुणा महत्व। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, आपके आंसर क्या आ जाएगा, 280 आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका कि कुछ आम पीले हैं, कुछ 100 आम हैं, इसका न तो एक ही अनुसरण करता है न ही दो अनुसरण करता है, इसका ऑप्शन होगा आपका डी। यदि 20 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तो 60 व्यक्ति उसी काम को, देखो सिंपल सी बात है काम में कि 20 18 में कर सकते हैं तो 60 तो उसको बहुत जल्दी कर देंगे काम को। तो फार्मूला लग जाएगा हमारा M1D1 बराबर M2D2, इसमें वैल्यू पुट कर दो, D2 की वैल्यू निकाल दो और कितना आंसर आएगा आपका 6 दिन। तो उस काम को वो कितने दिन में करेंगे कंप्लीट, 6 दिन में उस काम को वो कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपकी इस प्रकार से एक सीरीज आई थी A2 C4 E6 G3 I5 ये M5 ने, तो इसमें इसके ऑप्शन आपका है A B C D E, एक छोड़ के हैं और दो नीचे इनको ऐड कर रहा है, तो इसके लिए आएगा K8 आपका करेक्ट आंसर, आपका करेक्ट आंसर। उसके बाद दो व्यक्ति A और B एक स्थान से क्रम से 5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 5 घंटों बाद, देखो विपरीत दिशा में कर चलेंगे तो ए यदि इस तरफ चलता है तो 5 किलोमीटर की चाल से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर देगा, बी यदि इस तरफ चलता है तो 30 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर दो कितनी होगी आपकी 55 किलोमीटर की दूरी वो दोनों तय कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक संस्था एक उत्सव का आयोजन करती है और उसमें 1/5 लड़कियाँ और 1/8 लड़के उसमें भाग लेते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने भिन्न में, उस दोनों को जोड़ दो 1/5 LCM ले लो 40 आ जाएगा, और ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 और 5 को जोड़ के 13/40 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका एग्जाम में आया था कि यदि रुपये 360 को दो व्यक्तियों में 2:7 के अनुपात में बांटा जाता है तो उनके क्रम से कितना, तो पहले का हिस्सा होगा 2/9 × 360 80 रुपये, दूसरे होगा 7/9 × 360, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा 280 आपका ऑप्शन। ये तो आपके क्या क्या ऑप्शन होंगे, एक तो 80 और 280, क्रम से आपके 80 और 280 जो आंसर है आपको वो चूज करना है। नेक्स्ट था आपका WFB TGD QHD, तो ये आपको करना है, इसका आंसर होगा आपका NIK, क्योंकि इसमें देखो आप QRST यानी दो छोड़ने के बाद फिर IUV तीसरा, फिर यहाँ से देखो आप F के बाद G, G के बाद H, तो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्या आएगा I, और इस तरफ से देखोगे आप दो अक्षर छोड़ने के बाद तो आपका N और लास्ट में आपका क्या आएगा K। एक रेखा के 3/4 और 2/5 के बीच का अंतर 28 सेंटीमीटर है, तो रेखा की लंबाई ज्ञात करो, मान लिया रेखा की लंबाई कितनी है x है, तो इनका अंतर दिया हुआ है 3/4x − 2/5x कितना 28, LCM ले लो यहाँ से आपका 20 LCM आ जाएगा, इसको सोल्व कर लो आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80 सेंटीमीटर। उसके बाद ये क्वेश्चन था आपका y x के पूर्व में जो z के उत्तर में है और p z के दक्षिण में है, तो p y के कौन से दिशा में होगा, तो उसका आंसर आपका यहाँ से दे सकते हो कि जो x के पूर्व में y है और x के उत्तर में z है, z के दक्षिण में आपका p है, तो p y के बीच में रिलेशन पूछा है, तो ये क्या है दक्षिण पूर्व, तो आंसर क्या होगा दक्षिण पूर्व इसका आंसर होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे प्लीज़ हमें बताना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले।